हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे। तो आज फिर से है ना, मैं आप लोगों के लिए अमेजोन का एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें आपको है ना सारी कैटेगरी देखने को मिल जाएगी, लाइक कुर्ता सेट, कुर्ता, साड़ी, फुटवियर, मतलब बहुत ही प्यारा प्यारा कलेक्शन मैंने चूज किया है। एक लाइक से ग्रीन कलर हॉल भी ये हो सकता है, क्योंकि मैंने हॉल बनाने बैठी तो मुझे लगा कि यार मैंने सारे ही ग्रीन कलर जो है ना वही चूज कर लिए हैं। इट्स ओके, तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो जरूर से इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो मैं ना बहुत सारे वीडियोस प्लान कर रही हूँ इस मंथ में, लाइक मैंने जहां से भी शॉपिंग की ना तो वो आपको दिखाने के लिए। ये सारा शॉपिंग वीडियो जो है ना ये अमेजोन का होने वाला है, क्योंकि अमेजोन पे बहुत अच्छे डिस्काउंट मिल जाते हैं, सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं, पॉलिसीज काफी अच्छी, दैट्स व्हाई मैं यहीं से शॉपिंग करती हूँ। तो चलिए बिना किसी लेट के मैं वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये पिस्ता ग्रीन कलर की कुर्ती, जो कि मैंने डब्ल्यू ब्रांड से परचेज की और इसमें मेरा साइज है 12 डब्ल्यू के आता है लार्ज साइज में। तो इसमें आपको ना एक कॉलर वाले नेक मिल जाएगी। डब्ल्यू की मोस्ट ऑफ द कुर्तीज की डिजाइन जो होती है ना कॉलर नेक में होती है, और अगर आप ऑफिस वियर के लिए अच्छी कुर्तीज स्टाइल करना चाहती हैं तो आप इस ब्रांड को ट्राई कर सकते हैं। इनके कुर्ते जो होते हैं ना वो बहुत ही सिंपल एंड सोबर होते हैं। तो यहाँ पर आपको है ना सिल्वर कलर की बटन की डिटेलिंग मिल जाएगी, जो कि इस पूरी कुर्ती के अंदर है, और फ्रंट के बटन जो है ना वो ओपन भी होते हैं, जिससे कि आप इसको इजिली वियर कर सकें। इसकी स्लीव्स आपको मिल जाएगी इस तरीके से, 3/4 स्लीव्स, और ये भी फोल्डेड है। यहाँ पर आपको एक सिल्वर कलर का बटन मिल जाएगा, अगेन ये ओपन होता है। पूरी जो कुर्ती है ना वो इस तरह की है, स्ट्रेट पैटर्न की कुर्ती है। इसमें क्या होता है, आपको साइड में भी स्लिट मिल जाएगा और साथ ही साथ है ना बीच में भी स्लिट मिल जाएगा। ये सारी कॉमन डिजाइंस है, बहुत सारी कुर्तीज आपको डब्लू में ऐसी मिल जाएगी जहाँ साइड में स्लिट और आपको है ना इस सेंटर पार्ट में बीच में भी स्लिट मिल जाएगा। बैक से बिल्कुल प्लेन है, फ्रंट में आप देख सकते हैं ब्लू कलर का इसमें इस तरीके से ये प्रिंट हो रखा है, डिजाइन हो रखी है। तो आप इसको ना व्हाइट एंड ब्लू के साथ पेयर कर सकते हैं, और ये ना उस समय मुझे बहुत ही अच्छे डील में मिल रही थी, क्योंकि जो इसकी MRP होती है ना वो बहुत ही हाई है, 2500 MRP है और ये जस्ट मुझे 540 रुपीज मिली है। तो डब्ल्यू की जो कुर्तीज होती है ना वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, बट आप उनको सेल में अमेजोन से जरूर परचेज कीजिएगा, बहुत अच्छी डीलर मिल जाती है। फैब्रिक की जो क्वालिटी ना वो रेयन है, बहुत ही अच्छा रेयन है, आप कितना भी वॉश होकर पहनोगे ना इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इस वीडियो की ना खास बात यह है कि आपको बहुत सारे ब्रांड इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग ब्रांड से मैंने शॉपिंग की है। अब ये आता है ओरेलिया ब्रांड का कुर्ता, जो कि मैंने रॉयल ब्लू कलर में लिया है। समर में ऐसे कलर है ना काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, जो बहुत ही वाइब्रेंट लुक आपको देते हैं। तो ये भी एक स्ट्रेट पैटर्न का कुर्ता है, साइज मैंने परचेज किया है लार्ज, और इसको मैंने लिया था इसके बस्ट एरिया पे जो सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है ना उसकी रीजन से। बहुत ही प्यारी सी इसमें गोल्डन एंड ग्रीन कलर की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, आपको उसको ग्रीन के साथ पेयर करोगे ना गाइस बहुत अमेजिंग लगने वाला है, आप ट्रायल में देखिएगा। मैंने ग्रीन दुपट्टे एंड ग्रीन बॉटम के साथ इसको पेयर किया है, और यहां पर आपको इसकी स्लीव्स मिल जाएगी इस तरीके से 3/4, और यहां पर आपको ये थोड़ी सी सीक्वेंस मिल जाएगी। बाकी जो कुर्ता फ्रंट एंड बैक से देखोगे ना तो बिल्कुल प्लेन है, नीचे भी कुछ भी नहीं है, बस एरिया पे आपको बस इतनी सी एम्ब्रॉयडरी मिलेगी, जो बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत वाइब्रेंट लग रही है। तो ऐसे कुर्ते को आप छोटे मोटे फंक्शन में जरूर से स्टाइल कर सकते हैं, और ये भी अंडर 500 मैंने परचेज किया था। नेक्स्ट गाइस, मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ही प्यारा सा कुर्ता सेट, जो मतलब जैसे ही मैंने इसको ओपन किया ना मुझे बहुत खूबसूरत लगा ये बहुत। ये है इस तरीके से लाइट ग्रीन कलर का कुर्ता सेट, जो कि मैंने लिया है इंदो इरा ब्रांड से। इस ब्रांड ने अभी बहुत ही अमेजिंग कुर्ता सेट जो है ना वो लॉन्च किए हैं। तो अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए, मैं और भी इंदो इरा के ऐसे कुर्ता सेट लेके आने वाली हूँ। इसमें आपको कुर्ता, बॉटम और साथ में मिलेगा दुपट्टा। तो ये मैंने ना एक अनारकली पैटर्न का कुर्ता लिया था, कुर्ता सेट लिया है सॉरी। तो इसमें आपको है ना इस तरह की वी नेक मिल जाएगी, इसमें मैंने साइज जो है ना वो लार्ज परचेज किया है। इसका थोड़ा सा डिजाइन मुझे अलग लगा, दैट्स व्हाई मैंने परचेज किया। आप देख सकते हैं बस्ट एरिया पे ना ये इस तरह का, ये देखिए अलग सा जैसे कोटी टाइप का जो फैब्रिक होता है ना, ये फैब्रिक ऊपर से अलग से अटैच किया हुआ है, और इस पे आपको है ना ये सीक्वेंस मिल जाएगी। और लुक एट द एम्ब्रॉयडरी, इस तरह की आपको कट वर्क की ये एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी, टेसल्स मिल जाएंगे पिंक कलर के, पिंक एंड ग्रीन कलर की ये एम्ब्रॉयडरी है, काफी प्यारी लग रही है। मैं नजदीक से आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल सी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, एकदम बारीक बारीक स्लीव्स आपको मिलेगी, 3/4 स्लीव्स पे भी आपको है ना इस तरीके से कट वर्क में ये दोनों स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी। फिर ये अनारकली पैटर्न का पूरा कुर्ता आ जाएगा, यहाँ पर सलसल डाल के चुनर चुनर डाले हुए हैं, और लास्ट में जो ये पैटर्न देख रहे हो ना आपको, यहाँ पर आपको मिल जाएगी
जाएगी ये प्यारी सी लेस, क्रोशे टाइप की जो लेस होती है ना, वो लेस की डिटेलिंग। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका जो मटेरियल ना गाइस बहुत ही अच्छा है, सिल्क टाइप का मटेरियल, एकदम पार्टी वियर लुक आपको देगा। अगर आप इसके मेहंदी फंक्शन में जा रहे हैं ना, तो आप इस कुर्ता सेट को ज़रूर से परचेज कीजिएगा। और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, अफोर्डेबल रेट में मुझे मिल गया था। सारे लिंक मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, माय हॉल स्टोर लिंक और इंडिविजुअल लिंक, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ वही सेम सिल्क मटेरियल का फुल्ली इलास्टिकेटेड बॉटम मिल जाएगा, बिल्कुल प्लेन बॉटम है, पर बॉटम के भी लास्ट में आपको थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी और जो लेस दे रखी थी ना में, वही लेस आपको इसके बॉटम में मिल जाएगी। और साथ में आपको मिलेगा ऑर्गेंजा का दुपट्टा, बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं इस टाइम पे ये दुपट्टे। तो यहाँ पर आपको बहुत ही प्यारा सा फ्लावर प्रिंट का, देख रहे हो डिजिटल फ्लावर प्रिंट जो है ना, उस तरह का ये ऑर्गेंजा का दुपट्टा बहुत ही प्यारा लगेगा। इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है ना वो काफ़ी अप्रोप्रिएट है, तो आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाले फुटवेयर, तो इस टाइम पर मैंने कोई फैंसी फुटवेयर नहीं लिया है, मैंने लिया ये क्रॉक्स जो कि है लिबर्टी की तरफ से। देखिए लुक एट द बॉक्स, यहाँ लिबर्टी ब्रांड से मैंने लिया है, तो काफ़ी अफोर्डेबल 400 या 450 रुपीज़ में मुझे ये मिल गए थे। क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी है, मैंने इस तरह का लाइट ब्लू एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन में लिया, अगेन फुटवेयर भी ग्रीन हो गए हैं, तो इस तरीके से लिया है। MRP तो आई थिंक इनकी हाई थी, शायद तक 799 थी, बट ये मुझे आफ्टर डिस्काउंट मिले हैं। तो अगर आपको भी चाहिए अफोर्डेबल क्रॉक्स, तो आप इनको डेफिनेटली ले सकते हैं। और जो गाइज नेक्स्ट मेरा क्लोथिंग आइटम है वो ये है साड़ी। तो मैंने ना जैसे समर आ रहा है, तो समर में क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो ना स्टाइल करते हैं कॉटन की साड़ी को, मलमल की साड़ी को, तो मैंने भी क्या किया है, एक मलमल की साड़ी को परचेज किया अगेंस्ट ग्रीन कलर में। और ये पोल्का डॉट काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो ग्रीन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन जो है ना वो काफी प्यारा लग रहा है। आपको कंप्लीट 5.5 मीटर की साड़ी विथ ब्लाउज मिल जाएगा। मैंने इसको स्टाइल किया ब्लैक कलर के ब्लाउज के साथ, मैं साइड में पिक्चर्स डाल दूंगी, क्योंकि इसका जो एक्चुअल ब्लाउज है वो मैंने स्टिच करवाया नहीं। कोई सा भी जो स्लीवलेस ब्लाउज है या फुल जो ब्लैक कलर के ब्लाउज ऑलमोस्ट सबके पास होते हैं, तो वो ब्लैक कलर का ब्लाउज आप इसके साथ पहन सकते हो। आपको यहां पर ब्लैक कलर का बॉर्डर मिल जाएगा, पूरी ग्रीन कलर की ये साड़ी है, साथ में इसमें आपको पोल्का डॉट मिल जाएंगे। काफी अच्छे से मैंने इसको ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ स्टाइल किया, मैं साइड पिक्चर डाल दूंगी। मटेरियल की जो क्वालिटी ना वो काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मेंशन किया हुआ था कि ये जो है ना मलमल की साड़ी थोड़ी सी शायद अबाउ 1000 थी, मुझे एक्यूरेट इसकी प्राइस जो है ना वो याद नहीं है, बट वहां मेंशन था कि मलमल की साड़ी आपको रिसीव होगी। तो इसके जो कॉटन के मटेरियल की जो क्वालिटी है ना वो काफी ज्यादा अच्छी है, तो मैं तो इसको हाईली रिकमेंड करती हूँ। आप इसके ब्रांड मुझे याद नहीं है, मैं साइड में सारी पिक्चर्स डाल दूंगी, तो आप डेफिनेटली इस साड़ी को लीजिए गाइस, बहुत ही प्यारी साड़ी है, ट्रस्ट मी। तो ये था मेरा लास्ट क्लोथिंग आइटम और ये मेरा पूरा हॉल कंप्लीट होता है। कैसा लगा आपको ये हॉल वीडियो, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।